हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ उबले आलू के चटपटे पकौड़े। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज इस आलू के पकौड़े की रेसिपी को शुरू करते हैं। उबले हुए आलू का चटपटा पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो उबला हुआ आलू लिया है। आलू को प्रेशर कुकर में 4 सीटी में उबाल लें, उसके बाद छिलका निकाल लें। तो आलू को हम पहले मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल देंगे। तो सबको बारीक काटें। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे। तो 1/3 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। इसके बाद लास्ट में नमक डाल दें। बस इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो प्याज को पहले फ्राई करके उसके बाद आलू को फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मसाला फ्राई करना है तो। मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं वैसे इसे चपटा करके छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें। ये देखिए, आप चाहें तो टिक्की अपने पसंद की बना सकते हैं, या तो चपटा या फिर गोल। तो मैं यहाँ पे थोड़े से जो टिक्की है वो ऐसे चपटा बनाऊंगी और थोड़े से राउंड शेप के। तो अब हम इसे ऐसे गोल बना लें, बॉल जैसा। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने जो आलू का मसाला बनाया था उसकी ये टिक्की और ऐसे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पहले बेसन का घोल बनाएंगे। तो एक बोल में 4 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ मैं। बेसन डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि हमने आलू के मसाला में भी नमक डाला है, तो नमक का यूज़ कम करें। फिर हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1/4 छोटा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालें, मिला दें इसको। बेकिंग सोडा इसमें ऑप्शनल है। अब हम इसमें पानी मिला के हम इसका एक सेमी थिक बैटर बनाएंगे। बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब पानी यूज़ किया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, मिला दें। तो ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है पहले से। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो टिक्की है इस बैटर में ऐसे डिप करें और इसके बाद सावधानी से ऐसे डाल दें। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पून से जो है वो आलू टिक्की अच्छे से कोट होता है। अब हम किनारों से ऐसे इसके ऊपर ऐसे ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर की जो लेयर है वो पक जाए और पलटते वक्त वो पैन में चिपके नहीं। तो यहाँ पे इसे मैं पलट देती हूँ। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ऊपर की लेयर थोड़ी सी ब्राउन ना दिखने लगे। तो यहाँ पे ये जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसे पेपर किचन टॉवल पे निकालें या फिर ऐसे स्ट्रेनर पे निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने इस टिक्कियों को तल लिया है। सेम प्रोसेस से ये जो बॉल्स है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो नॉर्मली वड़ा पाव में जो वड़ा बनता है वो ऐसे ही बनता है, बस उसमें आलू के मसालों को हम राई और थोड़ा मसालों के साथ फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्राई नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो वड़ा है इसे आप पाव के साथ लगा के वड़ा पाव के स्टाइल में भी खा सकते हैं या फिर नॉर्मल पकौड़े की तरह खा सकते हैं। तो ये हमारे आलू के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे हरी तीखी चटनी के साथ खाएं या फिर टमाटो सॉस या फिर ये ग्रीन चिली सॉस के साथ खाएं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।